हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज हम इस बेबी कैप को बनाएंगे। इसको मैंने स्वेटर के साथ बनाया है। 1 से 1.5 साल के बच्चे को ये साइज़ बिल्कुल फिट आएगा। आप अगर इसे छोटा या बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो इसकी सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसको बनाना है। इस कैप को बनाने के लिए 89 स्टिचेस डबल धागे से हमें डालने हैं। स्टिचेस डालने के बाद अब हमें कैप का इस तरह का एक पार्ट बुनकर कंप्लीट करना है। ये हमारा कैप का फ्रंट साइड है। जब ये पार्ट बुन जाएगा तो बाद में जब कैप हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इस तरह से फोल्ड करके हमें इसको स्टिच करना है। ये फ्रंट साइड में ऐसे आएगा हमारा। तो अब इस पार्ट को हमें किस तरह से बुनना है, स्टिचेस डालने के बाद स्टार्टिंग के जो हमारे 21 स्टिचेस हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट जितने भी स्टिचेस हैं उनको सीधा बुन लेंगे। ट्वेंटी वन स्टिचेस को यहां तक सीधा बुन लेने के बाद अब यहां पे एक हम मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो 18 स्टिचेस हैं उनको भी सीधा बुन लेंगे। मार्कर के बाद ये 18 स्टिचेस 18 फंदों को भी मैंने सीधा बुन लिया है। अब यहां भी एक मार्कर हम लगा देंगे। अब हमें सेंटर में 11 स्टिचेस सीधे बुनने हैं। इन 11 स्टिचेस को यहां तक सीधा बुन लेने के बाद ये जो हमारे इस साइड के स्टिचेस हैं इनको अब हमें नहीं बुनना, बट यहां से काउंट करते हुए 18 स्टिचेस के बाद हमें एक मार्कर लगाना है। इस तरह से यहां पे हम एक मार्कर लगा देंगे। अब यहाँ तक हमने जब इन सेंटर के फंदों को बुना, यहीं से इसको टर्न करके हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे और यहाँ से ये सेंटर के 11 स्टिचेस हम बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। देखिए, इसे धागा हम पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। इन 11 स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद ये हमने जो सेंटर का मार्क पहले लगाया था इसको हम हटा देंगे। अब हमें देखिए क्या करना है। सेंटर में तो हमारे ये 11 स्टिचेस को ही हमें बुनना है। इस साइड आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 स्टिचेस ये हैं और 18 ये हैं। इन में से दो दो स्टिचेस हम सेंटर के स्टिचेस में इंक्लूड करते जाएंगे, फिर इस पार्ट को हम आगे बुनेंगे। तो जब हम इसको ऐसे बुनते जाएंगे ऐड करते हुए, तो ये शेप हमारी इस तरह से बनती चली जाएगी। तो अब ये 11 स्टिचेस के साथ यहाँ के 18 स्टिचेस में से दो हम इस तरह से सीधा बुनते हुए ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने के बाद अब आप देखेंगे सेंटर में हमारे 13 स्टिचेस हो गए हैं और यहाँ 18 में से दो इंक्लूड करने से 16 रह गए हैं। अब यहाँ से इसको टर्न करके हम राइट साइड पर आ जाएंगे और अब हमें फर्स्ट फंदा स्लिप करना है। धागा ऐसे पीछे ले जाकर इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ तक इसको स्लिप करने के बाद 12 फंदे रह जाएंगे, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद आप इनको काउंट करेंगे, ये 13 होंगे। अब हमें यहाँ से भी, जैसे हमने दो स्टिच यहाँ से ऐड किए थे सेंटर में, ये जो हमारे 18 हैं इनमें से भी दो हम सीधा बुनते हुए इनमें ऐड कर लेंगे। अब ये सेंटर में हमारे 15 हो जाएंगे और इस साइड ये हमारे 16 रह जाएंगे। अब यहाँ से इसको टर्न करके हम फिर से रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे और फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट जो हमारे सेंटर के 14 होंगे वो हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को यहां तक मैंने सीधा बुन लिया है। अब फिर से हमें यहां के फंदों में से दो फंदे सीधा बुनते हुए सेंटर के फंदों में ऐसे इंक्लूड करने हैं। अब यहां पे तो हमारे सेंटर में तो 17 हो गए हैं और इस साइड जो फंदे हमारे हैं वो 14 रह गए हैं। अब यहाँ से टर्न करके फिर से हम इसको राइट साइड पर ले आएंगे और फिर से फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट जो फंदे हैं
वो हम सीधे बुन लेंगे। इन 17 फंदों को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब यहाँ से भी फिर से हमें दो फंदे ऐसे ही ऐड करने हैं सेंटर के फंदों में, जैसे हमने उस साइड ऐड किए थे। इस तरह से अब ये 19 हो गए हैं और ये फंदे हमारे 14 रह गए हैं। अब रॉन्ग साइड में ऐसे हम टर्न करके आएंगे, फिर से फर्स्ट फंदा ऐसे धागा पीछे ले जाकर स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को बुन लेंगे सीधा। और इस तरह से बुनकर फिर से हमें दो फंदे यहाँ से इन सेंटर के फंदों में ऐड करने हैं सीधा बुनते हुए। फिर यहाँ से इसको हम टर्न कर लेंगे, टर्न करके फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन फंदों को यहाँ तक बुनकर फिर यहाँ से दो फंदे हम ऐड करेंगे। तो ये जो फंदे हैं तब तक हम दो दो करते हुए ऐड करते जाएंगे जब तक हमारे यहाँ इस मार्कर तक ये सारे फंदे हमारे सेंटर के इस पार्ट में इंक्लूड नहीं हो जाते। मतलब आपको यहाँ तक इन फंदों को तब तक बुनते जाना है दो दो ऐड करते हुए जब तक यहाँ के भी 18 फंदे और यहाँ के भी 18 फंदे हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ऐसे हम इस पार्ट को अब आगे बुनते जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बुनकर बताया है इसी तरह से हम यहाँ तक इस पार्ट को बुन लेते हैं। दोनों साइड से इन दो दो फंदों को सेंटर में इंक्लूड करते हुए यहाँ तक इस मार्कर तक इस पार्ट को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। जब हम यहाँ तक इन फंदों को कंप्लीट कर लेंगे फिर इस रो को बुनकर यहाँ पे आए हैं, यहाँ भी हमें इस मार्कर तक इनको कंप्लीट करना है। लास्ट के ये दो फंदे बचते हैं, इनको हम सेंटर में इंक्लूड कर लेंगे सीधा बुनते हुए। अब हमारे यहाँ तक इस मार्कर तक इस मार्कर तक जो हमारे हमने स्टार्टिंग में सेंटर में 11 लिए थे और यहाँ 18 लिए थे, ये सारे इस पार्ट में इंक्लूड हो चुके हैं। इसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब देखिए हमें इस पार्ट को आगे किस तरह से बुनना है। जिस तरह से हमने यहाँ से इस तरह शेप बनाई थी ये इंक्रीज करते हुए दो दो फंदों को ऐड करते हुए, अब हमें यहाँ से इस शेप को ऐसे लेकर आना है। इट मीन्स अब आपको यहाँ से ये रिडक्शन करनी है। जो हमारे दो दो हम ऐड करते जा रहे थे तब तो ये इस तरह से इंक्रीज होता चला गया, लेकिन अब हमें इसको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, वैसे ही जैसे हम दो दो इंक्लूड करते जा रहे थे अब हमें दो दो फंदे छोड़ते जाना है दोनों साइड से। इस तरह से हम इसको आगे बुनेंगे। इसके लिए अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम फर्स्ट फंदा वैसे ही स्लिप करेंगे धागा पीछे ले जाते हुए और नेक्स्ट सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक जो मार्कर है इसमें दो फंदे ये छोड़कर इससे पहले के, और यहाँ तक इनको हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद मार्कर से पहले ये जो दो फंदे हैं इनको हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ से इसको टर्न करके हम राइट साइड पर ले आएंगे। अब अगर आप चाहें तो इस मार्कर को हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो गैप है ये हमें ऑटोमेटिकली शो करा देगा कि हमें यहाँ से अब फंदों को छोड़ना है। इसके बाद अब हमें वैसे ही करना है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके और नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इस मार्कर से पहले के दो फंदों को छोड़कर यहाँ तक इस रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इन फंदों को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद मार्कर से पहले इन दो फंदों को भी हमें छोड़ना है और यहाँ से भी हम मार्कर हटा देंगे और इसको टर्न करके फिर हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब वैसे ही फर्स्ट फंदा स्लिप करके फिर हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हमें यहाँ से लेकर ये दो फंदे तो हमने पहले छोड़े थे, इसके बाद ये दो फंदे हम ये छोड़ देंगे। इससे पहले के जितने भी फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ से इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद ये जो दो फंदे हैं इनको हमें अब नहीं बुनना, जैसे हमने पहले इन दो फंदों को छोड़ा था इसी तरह से इनको भी हमें बिना बुने इस तरह छोड़कर नेक्स्ट अब राइट साइड पर हम आ जाएंगे और फर्स्ट फंदा वैसे ही हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट जितने भी हमारे फंदे हैं ये आप देखेंगे यहाँ पे ये जो दो फंदे हैं ये हमने राइट साइड के स्ट्रो में छोड़ दिया था इनको बिना बुने। यहाँ से भी अब हमें इन दो फंदों को छोड़ना है और इससे पहले जितने भी फंदे हैं इन सारे फंदों को सीधा बुनकर कंप्लीट करना है।
यहाँ से इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर से हमें ये दो फंदे छोड़ने हैं। इनको छोड़कर हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। फर्स्ट फंदा वैसे ही धागा पीछे ले जाकर स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक हम सीधा बुन लेंगे, जैसे ये हमने पहले छोड़े थे, ये सेकेंड टाइम। अब ये थर्ड टाइम हमें ये दो फंदे छोड़ने हैं। इनसे पहले जितने भी फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को मैंने यहाँ तक सीधा बुन लिया है। फिर अब ये जो हमारे थर्ड टाइम दो फंदे हमें छोड़ने थे वो हमने यहाँ रॉन्ग साइड में छोड़ दिए हैं। फिर हम यहाँ से इसको टर्न करके राइट साइड में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से वैसे ही फर्स्ट फंदा स्लिप करना है और इन फंदों को हम सीधा बुनते हुए यहाँ तक बुन लेंगे। ये दो फंदे छोड़कर इससे पहले के जितने भी फंदे हैं इन सारे फंदों को हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब ये दो फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से इसको टर्न करके फिर रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है आपको इसी तरह से बुनते जाना है। जब हम फंदे छोड़कर दूसरी साइड आते हैं तो तब आपको फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदों को तब तक सीधा बुनना है जब तक कि हमारे यहाँ पे ये दो फंदे ये छोड़कर इससे पहले तक के फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो ये प्रोसेस इसी तरह से आपका चलता जाएगा। ये जो फंदे हैं दो दो करते हुए जब हमारे 18 फंदे हम इस साइड भी और इस साइड भी छोड़ देंगे और जो सेंटर में हमारे 11 फंदे रह जाएंगे तब तक हम इस प्रोसेस को इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। फिर हमारी जो ये शेप थी पहले तो हमारी इस तरह से बनी थी, फिर ये ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे हम इसको अब बुन लेते हैं। यहाँ से दोनों साइड से दो दो फंदों को छोड़ते हुए इस पार्ट के हमारे ये 18 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आप इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गए 18 फंदे। ये इस पार्ट के तो हमारे हो चुके हैं और इस पार्ट के हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके हमारे 16 हैं। तो अब ये जो फंदे हम बुनते हुए आएंगे इनमें से दो हम यहाँ पे छोड़कर और इन सारे फंदों को, ये हमारे 11 होंगे, इनको हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट जो 10 फंदे हैं उनको सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारे जो फंदे हमें छोड़ने थे अब आप इनको काउंट करेंगे, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब ये भी हमारे 18 हो चुके हैं और ये भी 18 हो गए हैं और सेंटर में हमारे ये 11 हैं। अब ये पार्ट हमारा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम इन रोज़ को काउंट कर लेते हैं। ये जो हमारी एक उल्टी लाइन है ये 2 रोज़ से मिलकर बनी है, तो यहाँ से हम इनको काउंट करेंगे राइट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हमारी 18 है, 18 है। तो अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप देखिए, जब हमने स्टार्टिंग की थी इसको बुनना स्टार्ट किया था, यहाँ से पहले हमने 21 स्टिचेस को बुना था, 21 फंदे बुने थे, फिर उसके बाद 18 फंदे बुने थे और फिर 11, 11 फंदे बुने थे। तो यहाँ तक तो हम इस रो को बुनते हुए आ गए थे, फिर हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। फिर ये जो स्टिचेस थे हमारे ये बुनने बाकी थे और यहाँ भी हम इनको इसमें इंक्लूड करते चले गए थे। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम इस रो को कंप्लीट बुन लेंगे तब हमारी सिमेट्री हो जाएगी रोज़ की, तब हमारी इक्विवेलेंट रोज़ हो जाएंगी। जितना हमारा पार्ट यहाँ तक बुना हुआ था वही सेम यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से इन फंदों को और इन फंदों को हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद ये रोज़ हमारी अब कंप्लीट हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक और अब यहाँ से यहाँ तक बुन लेने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारा पार्ट दोनों इक्विवेलेंट हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ रॉन्ग साइड पर हम आएंगे और यहाँ से काउंट करते हुए 8 रोज़ हमें बुननी है, 8 सलाइयाँ हमें बुननी हैं और इन रोज़ को रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी सीधा सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना है।
इसमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। ऐसे हम ये 8 रोज बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए 8 रोज दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जब हम राइट साइड से देखेंगे तो हमें इस तरह की ये 4 उल्टी उल्टी लाइंस नजर आएंगी, 1, 2, 3, 4। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इतना पार्ट आप किसी भी स्वेटर वाले डिज़ाइन से पहले ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो भी आपके स्वेटर में डिज़ाइन है नेक्स्ट पार्ट में आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मेरी स्वेटर में ये इस तरह का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को अब मैं आगे इसमें बुनूंगी, इससे मैं इस कैप की लेंथ को तैयार करूंगी। तो अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड में इस डिज़ाइन को हम सेट कर देंगे, एक फंदा सीधा एक उल्टा, इस तरह से इसको बुनेंगे। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे और फिर नेक्स्ट फंदा ऐसे धागा आगे लाकर उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। इसी तरह से इस रॉन्ग साइड की रो में हम इस डिज़ाइन को सेट कर देंगे। पूरी रो में ऐसे ही एक सीधा एक उल्टा इस तरह से बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से बुनते हुए इस रो के एंड में हम आ गए हैं। यहाँ ये उल्टा फंदा है तो लास्ट में ये जो फंदा होगा हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो में इस डिज़ाइन को सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड की रो में अब हमें यहाँ पे जो भी सीधा फंदा आएगा, चाहे राइट साइड की रो है चाहे रॉन्ग साइड की रो है, उसको देखिए किस तरह से बुनना है। फर्स्ट फंदा तो ये हम स्लिप करेंगे, ऐसे धागा पीछे ही रहने देंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है सीधा फंदा आया है, इसको ऐसे नॉर्मली हम बुन देते हैं, सीधे को ऐसे नहीं बुनना आपको। इसके नीचे आपको एक ये होल नज़र आएगा, इसमें हमें सिलाई को ऐसे डालना है और सीधे फंदे को बुन देना है। फिर धागा आगे लाकर उल्टे फंदे को नॉर्मली हम बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा आ गया है। इसको ऐसे बुनने की बजाय इसके नीचे जो ये होल है इसमें ऐसे हमें सिलाई को डालना है और इस सीधे फंदे को बुनना है। सारी रो में जो भी सीधा फंदा आएगा उसको हमें इसी तरह से बुनना है। इस तरह से हम ये पूरी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस रो को यहाँ तक मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड में भी हमें इसी तरह से बुनना है, जो सीधा फंदा आएगा उसको ऊपर के बजाय नीचे वाले होल से बुनना है। अब इस साइड हमें जो फंदा स्लिप करना है वो देखिए इस तरह से सिलाई हम डालेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा उल्टा फंदा है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे उल्टा बुन देंगे। जब हम इस तरह से बुनेंगे तो आप ये देखेंगे एजेस हमारे इस तरह के हो जाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे साइड्स में ये एजेस बनाने हैं। अब इसके बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये जो सीधा फंदा है इसको हमें ऐसे बुनने के बजाय यहाँ भी हमें वैसे ही बुनना है जैसे हम राइट साइड में नीचे वाले होल में डालते हुए बुनते जा रहे थे सीधे फंदे को। फिर धागा आगे लाकर उल्टा फंदा नॉर्मल, सीधा फंदा नीचे वाले होल में डालते हुए हमें बुनना है। ऐसे ही हमें राइट साइड में भी और रॉन्ग साइड में भी जो सीधा फंदा दिखेगा उसको इसी तरह से बुनते हुए हमें इस डिज़ाइन को आगे बुनते जाना है। और इसी तरह से बुनते हुए हम यहाँ पे इस कैप की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। इस डिज़ाइन पैटर्न से बुनते हुए मैंने इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से रॉन्ग साइड से तो हमने इस डिज़ाइन को एक उल्टे एक सीधे फंदे का सेट किया था ये डिज़ाइन, और राइट साइड से इसको बुनते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 68 रोज मैंने इसकी बुनी है। और इसको अगर हम मेज़र करें तो ये जो पार्ट है यहाँ से डिज़ाइन से लेकर यहाँ तक 5.5 इंचेस इतना हमारा कंप्लीट हुआ है। और नीचे से अगर इसको हम मेज़र करें तो टोटल ये हमारा 6.5 इंच इतना बुनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इन फंदों की रिडक्शन स्टार्ट करेंगे।
उसके लिए इस सारी रो को हमें देखिए किस तरह से बुनना है। फर्स्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे, अब इस फंदे को हम स्लिप नहीं करेंगे। फर्स्ट फंदे को सीधा बुन लेने के बाद अब जो नेक्स्ट फंदा है इसको हम सीधा फंदा ये है सिलाई पर इस तरह से लेकर ऐसे हम पलट कर दूसरी सिलाई पर ऐसे डाल देंगे इस फंदे को, और इसके साथ ये जो उल्टा फंदा है इन दोनों फंदों को ऐसे इकट्ठा लेते हुए सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब नेक्स्ट भी जो सीधा फंदा है इसको फिर से हम सिलाई पर ऐसे लेंगे, पलट कर दूसरी सिलाई पर इस तरह से डाल देंगे, फिर से इसके साथ उल्टा फंदा लेंगे और दो फंदों का एक बना देंगे। पूरी रो में हमें इसी तरह से अब इन फंदों को रिड्यूस करना है, ऐसे हमारी यहाँ पे ये रिडक्शन होती चली जाएगी। दो फंदों का एक बनाते हुए यहाँ तक मैंने इस रो को बुन लिया है। लास्ट में हमारे पास ये जो दो फंदे हैं इन दो का हमें एक नहीं बनाना, इनको हम अलग अलग सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। जो हमने रिडक्शन यहाँ पे की है स्टिचेस की, उसके बाद टोटल स्टिचेस, टोटल फंदे जो हमारे पास यहाँ पे हैं 46 हैं, 46 फंदे हैं। अब जो रॉन्ग साइड की रो हम बुनेंगे इस रो को हमें उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। इसमें भी हम फर्स्ट फंदा स्लिप नहीं करेंगे, इसको भी हम बुन लेंगे ऐसे उल्टा बुनते हुए, ये सारी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर से अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। यहाँ से अब देखिए आपको कैसे इसको बुनना है। फर्स्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे, इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद अब ये फंदा फिर से हम पलट कर सिलाई पर ऐसे लेंगे और इस फंदे को और इसके साथ एक और फंदा इंक्लूड करके दो फंदों का हम एक बनाएंगे ऐसे सीधा बुनते हुए। इस तरह से कर लेने के बाद अब नेक्स्ट हम सात फंदे सीधे बुन लेंगे। ये सेवन फंदे हमारे हो चुके हैं। इसके बाद फिर से हमें इस फंदे को ऐसे लेना है, पलट कर सिलाई पर ऐसे डालना है, इसके साथ एक और इंक्लूड करके दो फंदों का हमें एक बनाना है। दो फंदों का एक बनाने के बाद फिर हम सात फंदे सीधे बुन लेंगे। ये सेवन फंदे सीधे बुन लेने के बाद फिर से हमें इस फंदे को ऐसे पलट कर सिलाई पर ऐसे लेना है और दो फंदों का एक बनाना है। इसके बाद फिर सात फंदे हम सीधे बुन लेंगे। सात फंदे सीधे बुन लेने के बाद फिर से इसको पलट कर ऐसे लेना है, दो फंदों का एक बनाना है, फिर सात फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर से इसको ऐसे लेना है, पलट कर सिलाई पर और दो फंदों का एक बनाना है। अब लास्ट में हमारे पास 3, 3, 6 और 7 फंदे बचे हैं, इनको सीधा बुनकर इस तरह से ये रो हमें कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुन ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड में स्टार्टिंग के 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। सिक्स फंदों को बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये जो हमारा सेकेंड फंदा है सिलाई को इस तरह से इसमें डालते हुए ऐसे हमें ये फंदा ऐसे निकालना है, इसको फिर इस तरह हम डालेंगे और फिर इस फंदे को इस सिलाई में डाल देंगे और इन दोनों फंदों को इकट्ठा लेते हुए उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे। इसी तरह से हमें आगे इसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट फिर 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। सिक्स फंदों को बुन लेने के बाद फिर हमें ऐसे ही सिलाई डालते हुए इस फंदे को ऐसे लेना है और इस फंदे को निकालकर ऐसे डालते हुए फिर इसको हमें डालना है, ऐसे हमें ये फंदा पलटना है यहाँ पे और फिर दो फंदों का एक बनाते हुए उल्टा बुनना है।
फिर नेक्स्ट 6 फंदे हम ऐसे ही उल्टे बुन लेंगे। तो एंड तक हमें इसी तरह से इसको बुनते जाना है। इस तरह से बुनते हुए हम एंड में आ गए हैं। अब एंड में ये पहले तो हमें 2 फंदों का एक करना है। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमें उल्टा बुनकर ऐसे हमें ये रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करनी है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। राइट साइड में जो फर्स्ट फंदा है वो तो हम सीधा बुन लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों का हम एक करेंगे जैसे हमने पहली राइट साइड की रो में किया था। इस तरह से सिलाई को डालते हुए इस फंदे को पलटकर हमें ऐसे दूसरी सिलाई पर डालना है, इसके साथ एक और इंक्लूड करना है, फिर 2 फंदों का एक बनाना है। अब ये जो फंदे हैं हमारे 5 हो जाएंगे, 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। पांच फंदों को सीधा बुन लेने के बाद ये जो लाइन आपको नजर आएगी राइट साइड में, इस फंदे को हमें ऐसे लेना है, पलटकर सिलाई पर ऐसे डालना है, फिर इसके साथ एक और इंक्लूड करके 2 फंदों का हमें एक बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट फिर 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। इसके बाद फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, इस फंदे को ऐसे पलटकर सिलाई में ऐसे डालना है, 2 फंदों का एक बनाना है, फिर नेक्स्ट 5 फंदे। इसी तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस रो को बुन लेने के बाद अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। इस रो में स्टार्टिंग में 4 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। 4 फंदों को उल्टा बुनने के बाद फिर से हमें इन 2 फंदों को पलटना है ऐसे सिलाई को लेते हुए। इस फंदे को हम पहले ऐसे ले लेंगे, फिर इसको निकाल कर सिलाई में ऐसे लेंगे, फिर इस फंदे को इसमें डाल लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को ऐसे इकट्ठा लेते हुए हमें उल्टा बुनते हुए एक बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर इन फंदों को हमें पलटना है, इन 2 फंदों को इकट्ठा लेते हुए उल्टा बुनते हुए एक बनाना है। ऐसे ही पूरी रो में हम इसको एंड तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बुनते हुए इस रो को हम आए हैं। अब एंड में हमारे पास इसी तरह से 3 फंदे होते हैं, तो हमें इन 2 फंदों को तो वैसे ही पलटना है जैसे अभी तक हम 2 फंदों का एक करते हुए आए हैं, और इनको एक बनाकर लास्ट में ये एक फंदा है इसको हमें उल्टा बुनना है। ऐसे हमें रॉन्ग साइड की इस रो को कंप्लीट करना है। फिर से हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ फर्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है, नेक्स्ट फिर ये लाइन आ जाएगी, इस फंदे को हमें पलटकर ऐसे सिलाई पर लेना है और 2 फंदों का एक बनाना है। अब ये जो फंदे हैं सेंटर में हमारे पास 3 फंदे हैं, 3 फंदे इनको सीधा बुन लेंगे हम। फिर ये लाइन आ जाएगी, इस फंदे को पलटकर हमें ऐसे सिलाई पर लेना है और 2 फंदों का एक बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर ये लाइन आ जाएगी, इस फंदे को पलटकर हमें ऐसे लेना है, 2 फंदों का एक बनाना है। इसी तरह से एंड तक हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद फिर से हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब हमें रॉन्ग साइड की रो में स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे बुनने हैं।
इन दो फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर से हमें फंदा पलटना है। फिर दो फंदों का एक उल्टा बुनते हुए बनाकर फिर दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, फिर फंदा पलटना है हमें। दो फंदों का एक बनाना है, फिर नेक्स्ट दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट फंदा सीधा बुनना है और इस फंदे को पलटकर सिलाई पर ऐसे डालना है, दो फंदों का एक बनाना है। अब हमें एक फंदा सीधा बुनना है, फिर इस फंदे को पलटकर दो फंदों का एक बनाना है, एक फंदा सीधा बुनना है, दो फंदों को एक बनाना है। जब आप इसको बनाएंगे इजीली आपका ये बनता चला जाएगा। इस रो को कंप्लीट करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। इस रो में हमें स्टार्टिंग से यह फंदे पलटने हैं, जैसे इस सिलाई को इस तरह से सेकंड फंदे में डालते हुए इस फंदे को हम लेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड फंदे में ऐसे ही हम सिलाई डालेंगे। अब हर बार हमें ऐसे ही दो दो फंदों को पलट कर इस रो को कंप्लीट करना है। लास्ट में ये एक फंदा है, इसको नॉर्मली हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ देखेंगे 3-3-6 फंदे हैं हमारे पास। यहाँ से हम थ्रेड को कट करके एक नीडल में डाल लेंगे और फिर उन सारे फंदों को उसमें डाल लेंगे। स्टिचिंग के लिए थ्रेड को रख कर मैंने इसको कट कर कर एक नीडल में इस तरह से डाल लिया है। अब इन स्टिचेस को हम यहाँ पे इसमें डालते जाएंगे। एक बार और हम इसमें इस तरह से डाल लेंगे और इसको पकड़कर ऐसे खींच देंगे। इसका लुक हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसको राइट साइड से ही लेना है जब इसको हम स्टिच करेंगे। और यहाँ से इसको पक्का करने के बाद अब आपको ये जो एक लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन से पहले जस्ट एक लाइन है, यहाँ भी ये वाली लाइन है, इसमें से कैसे आपको इसको स्टिच करना है देखिए। इस लाइन से ऐसे जब हम देखेंगे इस तरह का एक पार्ट नज़र आएगा। इन पार्ट्स में इस तरह से नीडल को इंसर्ट करते हुए ऐसे हमें इसको स्टिच करना है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हम करेंगे इसकी। पहले इसमें हम इस तरह से डालेंगे और फिर यहाँ से भी इसी तरह का एक पार्ट हमें नज़र आएगा। फिर देखिए यहाँ से ऐसे लेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे, इस तरह से यहाँ तक हम इस पार्ट को स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। आप देखेंगे कुछ भी आपको अलग से नज़र नहीं आएगा। इसके बाद अब इस नेक्स्ट पार्ट की स्टिचिंग देखिए हमें किस तरह करनी है। जो हमने एजेस इस तरह के बनाए थे उसमें हमें पहले ऐसे एक जो हमारा ये एज है इसमें हम इस तरह से नीडल को डालेंगे और फिर दूसरे पार्ट में
यहाँ पे डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ से, इसी तरह से इसको हम स्टिच करते जाएंगे। देखिए जब आप इसको स्टिच करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ सिमेट्री हो जाएगी इसकी, और रॉन्ग साइड से आप देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से इस कैप को भी मैंने स्टिच कर लिया है, ये इसकी राइट साइड है देखिए, और ये इसकी रॉन्ग साइड है। इस तरह से इस पार्ट को स्टिच करने के बाद अब हमें यहाँ से ये जो पार्ट हमने स्टार्टिंग में बनाया था इसको स्टिच करना है। इसके लिए पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके जो हमारी ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये बीच वाली लाइन, यहाँ तक इसको हम सेट कर लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ तक सेट करके पिनअप कर लेंगे जिससे कि ये पार्ट हमारा अच्छे से स्टिच हो पाए। सेटिंग कर देंगे और यहाँ से लेकर अब इसको हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऐसे लेते हुए ये जो हमें लाइन नज़र आ रही है, ये हमारी 1, 2, 3, 4th लाइन है जो कि इस तरह से हमारी जाएगी। इस लाइन से हमें ऐसे इसको स्टिच करते जाना है। इस तरह से ये हमारा सेट होता जाएगा, ऐसे इससे लेकर यहाँ तक इसको हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर इस पार्ट को यहाँ तक मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से जो एजेस हैं हमारे, इसमें थोड़ा सा हम ऐसे कर्व करके इसको यहाँ पे इससे सेट कर देंगे। जिसे थोड़ा सा हमारा इस तरह का ये लुक फोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाकर हम लगाएंगे जिसके ऊपर हम बटन भी लगाएंगे, तो वो आप देखिए हमें किस तरह से तैयार करनी है। उसके लिए सबसे पहले 5 फंदे हम इस तरह अपनी सिलाई में डाल लेंगे और इन फंदों को, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट को सीधा बुन लेंगे। दोनों साइड से हमें इनको सीधा सीधा ही बुनते जाना है, और जो फंदा हमें स्लिप करना है वो देखिए इस तरह से स्लिप करके धागा हमें पीछे ही रहने देना है और नेक्स्ट को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए हमें इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। इस स्ट्रिप को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है, फिर सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। इसकी लेंथ हमें कैसे मेजर करनी है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एज तक हमें इसको यहाँ तक मेज़र करना है। ये 6.5 इंच तक हमारी हमें बुनकर कंप्लीट करनी थी और ये मैंने इतनी ही बुनकर कंप्लीट कर ली। अब इसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे, यहाँ पे ऐसे सेट करते हुए यहाँ तक इसको हम स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे हम बटन्स भी सेट कर देंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको स्टिच किया है, इसी तरह यहाँ भी इसको हम स्टिच कर देंगे। और फिर उसके बाद ये जो हमारी इस तरह से अगर लूज है तो हम यहाँ भी इसको इसके साथ इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे इसकी। ताकि ये स्ट्रिप हमारी इस कैप के साथ सेट हो जाए, ऐसे इसको हम रेडी कर लेंगे।
यहाँ से स्टिच करके और इस बटन को लगाकर ये कैप हमारी रेडी हो चुकी है। इसका मेजरमेंट हमारा जो तैयार हुआ है, जो विड्थ हमारी है वो 7.5 इंचेस तक कंप्लीट हुई है और लेंथ ये हमारी 7 इंचेस तक कंप्लीट हुई है। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।